नमस्कार दोस्तों, आरती विज्ञान पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं नटवर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम पार्ट थर्ड अर्थात बीकॉम फाइनल ईयर का जो पेपर फर्स्ट है एबीएसटी का, वो है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण में जो हमने अब तक पढ़ा था, पहला जो हम पढ़े थे वो था तरलता अनुपात, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने उत्तोलन या पूंजी संरचना अनुपात पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्टिविटी या क्रियाशीलता अनुपात। अब हम जो अगर इसमें जो अनुपात है वो पढ़ेंगे लाभदायता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लाभदायता अनुपात जो प्रत्येक व्यवसाय होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है लाभ कमाना, चाहे वह व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो। हम इस या लाभदायता अनुपात का जो टॉपिक है इसमें हम ये अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रकार के जो लाभ होते हैं विभिन्न प्रकार के लाभों को सापेक्ष रूप से रिलेट करके हम लाभदायक अनुपातों की गणना कर विभिन्न प्रकार के निर्णय के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं। इसमें जो हम जो सबसे पहले जो रेशियो के रूप में पढ़ते हैं वो है सकल लाभ अनुपात। ये जो अनुपात होते हैं विक्रय पर आधारित है, अर्थात जो हम फर्स्ट पार्ट इसमें जो पढ़ रहे हैं वो है विक्रय पर आधारित। विक्रय पर आधारित लाभ अनुपात इसमें जो सबसे पहला आता है वो है सकल लाभ अनुपात। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है वो है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। ग्रोस प्रॉफिट में आप सेल्स का भाग देके 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हटा देंगे तो आपका जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट में आप कोई सेल्स का भाग दे देंगे तो जो आप आ जाएगा और इसे 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। जैसे जो आपको सूचनाएं दी गई है कि भाई जो शुद्ध विक्रय है वो है 2,15,000 का और जो बिक्री माल की लागत है 1,55,000 की, जो सेल्स है वो है 2,00,000 रुपए का और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है
इसे आप जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 25%। अर्थात इस मेथड से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आया 25%। जो अगला अनुपात है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। जो अगला अनुपात आता है परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो। परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो वो इसके ऐड कर देंगे नीचे सेल्स या नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100 ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल गुणा 100 या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें जोड़ दें और नेट सेल्स में डिवाइड कर दें तो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के साथ साथ इसमें जो उप अनुपात या सब रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो है मटेरियल कंज्यूम रेशियो। वही मटेरियल कंज्यूम अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 मटेरियल मटेरियल कंज्यूम अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार आपका श्रम लागत अनुपात कोई लेबर अपॉन या लेबर कॉस्ट अपॉन सेल्स गुणा 100 या फिर हम लेबर को डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं डायरेक्ट वेजेस अपॉन सेल्स गुणा 100। इसी प्रकार जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है उसमें आपका श्रम और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस देते हैं उन्हें दोनों को शामिल करते हुए अपॉन सेल्स करेंगे गुणा 100 हो जाएगा ये आ जाएगा आपका कन्वर्जन कॉस्ट। जो इसके बाद जो अगला जो अनुपात आता है वो है परिचालन लाभ अनुपात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। जो तीसरा है वो है परिचालन लाभ अनुपात ऑपरेटिंग
प्रॉफिट रेशियो। परिचालन लाभ अनुपात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स गुणा 100 या फिर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 या फिर आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग या ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है आपका सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाने के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दें और इस सेल्स का डिवाइड करें या आप कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दूं तो मेरे पास क्या जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें नेट सेल्स का डिवाइड कर और सोर्स से मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। या फिर जो ऑपरेटिंग जो रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स गुणा सो उसका विपरीत होता है ऑपरेटिंग रेशियो। जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट रेशियो होता है यदि 100 में से मैं ऑपरेटिंग रेशियो घटा दूं तो जो बचेगा वो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स गुणा 100 जो इससे पहले अभी हमने देखा था वो अब हम इसके बाद अगला अनुपात पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। इसके बाद में आप यह कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है कि जो अदर एक्सपेंसेस है आपका हो गया ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो गए आपके जो विक्रय के एक्सपेंस होते हैं वो आ जाएंगे, सेल्स एक्सपेंस आ जाएंगे और जो आपका इंटरेस्ट और टैक्स का जो खर्चा होता है वो भी आ जाएगा। जो अगला हम देंगे वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। जो चौथा हम पढ़ेंगे वो है नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात। तो शुद्ध लाभ अनुपात कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट
अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई स्टोर। नेट प्रॉफिट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिफोर टैक्स और एक तो आफ्टर टैक्स, दोनों से ये कैलकुलेट हो सकता है। जो आप ऊपर रखेंगे सबसे जो प्राइवेट देंगे वो आएगा आफ्टर टैक्स। यदि बिफोर टैक्स दिया गया है और टैक्स की सूचना नहीं दी गई हो तो उससे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला अनुपात है वो है आपका विनियोजित पूंजी पर आधारित, ये विक्रय पर आधारित थे। अब आएंगे आपके विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात। जो विनियोजित पूंजी पर आधारित जो अनुपात है उससे पहले जो अभी तक हमने अनुपात देखे उनका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार है, जो नेट सेल्स है वो है आपकी 3 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 2 लाख रुपए का, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो है 40,000। इससे आपको क्या करना है, ऑपरेटिव रेशियो की गणना करनी है। जो ऑपरेटिव रेशियो है उसका जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स गुणा 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सूचनाओं के आधार पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा आपका रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस अदर एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। अदर एक्सपेंसेस में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबमिट कर सकते हैं अपॉन सेल्स गुणा 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 2 लाख रुपए, और जो अदर एक्सपेंसेस है वो है 40,000 रुपए डिवाइड बाय सेल्स। तो जो आएगा 80% आएगा ये। अब इससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आपने देखा था कि जो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों का योग 100 होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए मैं 100 में से यदि ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ा दूं तो जो मेरे पास आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20 या 100 माइनस 80% या 80 बराबर 20%। जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा वो होगा 20%।
आप इसे लिखना चाहेंगे या स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं भी जाके आगे बढ़ता हूं। अब जो लास्ट क्लास में हमने जो विभिन्न एक्टिविटी रेशियो देखे थे, एक विभिन्न एक्टिविटी रेशियो जो हमने देखे थे उनका एक सम्मिलित फॉर्मूला देख लेते हैं। उसमें जो हमने देखा था टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो और नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो, ये देखे थे। इनका एक सम्मिलित फॉर्मूला या जो कंबाइंड डेरिवेशन है उसे देख लेते हैं। जो सूचना है वो इस प्रकार से है, आपको एक बैलेंस शीट दी गई है, उसके आधार पर फिर टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और नेटवर्क टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। सूचनाओं में जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। बैलेंस शीट दी गई आपको, बैलेंस शीट में जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। जो पहला है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल वो है आपकी 50,000 रुपए की। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व फंड सरप्लस आपके दर गए 40,000 गए, जिसमें 25,000 का रिजर्व है और 15,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये हो गया 40,000 का। जो दूसरा पॉइंट दर गया नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें है आपका डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स है या डिबेंचर है वो है 40,000 के, और जो लॉन्ग टर्म लोन है या टर्म लोन है वो है 25,000 का।
जो करंट वैल्यूज है बिल्स टेबल है वो है 5,000। जो अदर करंट लायबिलिटीज है उसमें जो किया गया टैक्स पेबल्स करंट लायबिलिटीज में है टैक्स पेबल जो टैक्स पेबल्स है या जो बकाया टैक्स है वो है 4,000 का। इंटरेस्ट जो पेबल्स है वो है 2,000 का और प्रपोज्ड डिविडेंड है 4,000। यह आपका लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ। जो योग आएगा वो आएगा 180,000। ऐसे साइड नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स में है इन्वेंट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। जो फिक्स्ड एसेट्स है वो दे रखी है आपको 125,000। इसमें जो शामिल है लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। जो नॉन करंट एसेट्स है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मिलता है 10,000 रुपए का। करंट एसेट्स आ गई करंट एसेट्स में आपकी स्टॉक है स्टॉक देता है 15,000 का। ट्रेड टेबल से वो है 14,000 की और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो है 16,000। जो टोटल एसेट्स है कि हो गए वो आ जाएगा 1,80,000 का। अब ये जो सूचना दी गई है इससे आपको टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। जो सबसे पहला आ जाएगा आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स
सेल्स अपॉन और जो अदर सूचनाएं दी गई है उसमें जो सेल्स दे रखा है वो है 6 लाख रुपए का। तो सेल्स कितनी आ गई 6 लाख रुपए और टोटल एसेट्स कितना है 1,80,000 रुपए। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 3.33 टाइम। जो दूसरा आपको याद करना है वो है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स सेल्स 6 लाख की और फिक्स एसेट्स आपकी कितनी है 1,25,000 की है और 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका फिक्स एसेट्स नहीं आता है। तो टोटल हो गया 1,35,000 रुपए और जो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा वो आएगा 4.44 टाइम। जो अगला है वो है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। वही सेल्स अपॉन करंट एसेट तो सेल्स कितनी है 6 लाख। करंट एसेट्स क्या क्या दे रखा है आपको स्टॉक 15,000 का, ट्रेड पेपर्स 14,000 का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 16,000 का। 16, 14, 30 और 15, 45 यह आ जाएगा आपका 13.33 टाइम। सबसे पहले आपने टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाला, उसके बाद में आपने जो निकाला फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और लास्ट में करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। यहां तक आप स्क्रीन छोड़ देते हैं फिर इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमें याद करना है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वही सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपने बिक्री मूल्य की 45,000 रुपए और करंट लायबिलिटीज कितनी है आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा 10,000 का, बिल्स पेपर 5,000 का, 15,000 और अदर करंट लायबिलिटी 4,000 के, टैक्स पेपर इंटरेस्ट पेपर 2,000 का और प्रपोज्ड डिविडेंड ये सब मिला के 15 और 10, 25 कम कर देंगे तो जो वर्किंग कैपिटल आएगी वो आ जाएगी 20,000 रुपए। तो वर्किंग कैपिटल का नाम रेशियो का 6 लाख सेल्स हो गई और इसमें जो आप डिवाइड करेंगे
वो है वर्किंग कैपिटल 20,000 की, सेल्स अपॉन नेटवर्क, सेल्स 6,00,000 की और जो नेटवर्क आएगा वो आएगा आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50,000 का, 40,000 के रिजर्व एंड सरप्लस टोटल हो गया 90,000 रुपये। 50,000 की आपकी तो ये जो आ जाएगा 6.67 times और जो हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे वो है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। वही सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में आप क्या क्या शामिल करते हैं, आपका इक्विटी सेल्स आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जैसे डिबेंचर्स होते हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो आ जाते हैं। तो इसमें सेल्स आपके कोई 6,00,000 रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पेड अप शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 का और डिबेंचर्स 40,000 के और टर्म लोन 25,000 का 65। तो 90 और 65 ₹1,55,000, 1,55,000 रुपए आप 6,00,000 में 1,55,000 का डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो आएगा 3.87 times। ये आपके जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले देखे थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।